I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Hey Deva. डॉक्टर ये देखो, इस बंगले का पूरा कुंडली निकाल के लाया मैं। इधर समर रहना रहता था, फैमिली था उसका। इस फाइल में उसका स्टेटमेंट दर्ज है। ओके। उसका बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। इधर एक छोकरी काम करता था, क्या नाम था उसका, सोनाली बोल के। वो सोनाली का फोन नंबर और एड्रेस निकाल लिया मैंने। सोनाली, ध्रुव बहुत अच्छा बच्चा था, पूरा दिन वीडियोस बनाता रहता था। वीडियोस बनाने का बहुत शौक था उसे। सर और मैम बहुत बिजी रहते थे और इसलिए उसको टाइम भी नहीं दे पाते थे। शायद यही वजह थी कि ध्रुव बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था। और जब मैम को बेटी हुई तब उसे ऐसा लगा जैसे उसके मम्मी पापा उसे प्यार नहीं करते। वो बहुत अकेला फील करता था। ओह गॉड। वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? सर, उस दिन हम लोग मार्केट गए थे। सर ने पूरा प्लान बनाया था कि आज का दिन ध्रुव के साथ स्पेंड करेंगे, पूरे दिन खूब मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, सिर्फ ध्रुव के लिए। शॉपिंग नहीं करनी? डैड करनी है ना। मुझे क्रिकेट किट चाहिए, सम वीडियो गेम्स एंड 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 व्हाट? डैड मुझे वो बर्फ गोला खाना है। नो नो बेटा, इट्स नॉट हाइजीनिक। डैड लुक, सी दैट वे। अरे ये, यस ये। ध्रुव चलो कैमरा बंद करो। बस पापा, दो मिनट लास्ट हो रहा है, प्लीज। नो बेटा, वी आर गेटिंग लेट। हम बाद में शूट करेंगे, ये लोग हमेशा यहीं रहते हैं। बट पापा, हम का रोज मार्केट आता है। तुम्हें क्रिकेट किट चाहिए? चाहिए ना पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। आई लव यू पापा। यू आर आल्सो द बेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। डैड लव्स। अरे चलो, मॉम बुला रही है, चलो। पापा आप कुछ कह रहे थे, डैड लव्स व्हाट? डैड, डैड। पापा मेरा क्रिकेट किट। ध्रुव वेट बेटा, बात कर रहे हैं। हाँ चले। रीना तुम्हें जो पसंद है ले लो, व्हाई आर यू आस्किंग मी? अरे तुम्हारी एडवाइस इम्पोर्टेंट है। पापा मॉल चलते हैं, मेरा क्रिकेट किट प्लीज पापा प्लीज। फिर देख लो, दोबारा आना पड़ेगा। ओके यार, ध्रुव चलो। नो आई विल वेट विद सोनाली दीदी। मिस्टर राणा कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में क्यों? सर वो ध्रुव के जाने के बाद मैम की हालत बहुत खराब रहने लगी। सर ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा अगर वो इस घर में रहेंगी तो उनकी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। और वो बच्ची? कौन, पाखी? विक्रम कौन हो सकता है? अदिति मैं देखता हूँ,
तुम यहीं पे रहना ठीक है। हेलो विक्रम, कौन है? हेलो विक्रम, तुम कहाँ हो? डोंट वरी आदिति, कमिंग। हेलो, हाँ मिस्टर विक्रम। डॉक्टर शास्त्री, वी आर इन बिग ट्रबल। मिस्टर विक्रम, क्या बात है? अब आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हेलो हेलो हेलो, कैसे चले सर? आपके पास ध्रुव का कोई ऐसा सामान है जो उसे बहुत पसंद था, कोई खिलौना वगैरह? यस सर। अब मुझे विक्रम के यहाँ पहुँचना है। ये काफी दिनों से पड़ा हुआ है, तो हो सकता है इसकी बैटरी ड्रेन हो गई हो। इसे चार्ज करके तुम विक्रम के यहाँ पहुँचो। सर, मिस्टर विक्रम, डॉक्टर, उसे देखो,
पहचानते हो उसे? नैनं चिन्तयन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। विक्रम, विक्रम भाई, विक्रम भाई, आप पाकी कहाँ हैं? इशी ओके? भाई पाकी ठीक है, वो यही है। लेकिन क्या ठीक है? पाकी है कहाँ? कहाँ है पाकी? भाई काम डाउन, वो यही है, वो ऊपर। कोई भी पाकी से मिलने नहीं जा सकता है। आप कौन? डॉक्टर शास्त्री। देखिए डॉक्टर शास्त्री, आप मुझे मेरी बच्ची को मिलने से रोकने वाले होते कौन है? देखिए मैंने कहा ना, पाकी से मिलने कोई नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। अरे क्यों, क्यों नहीं जा सकता? मिस्टर राणा प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन एंड लिसन टू मी प्लीज। पाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसकी वजह से मैं किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता, पर बिलीव मी शी इज फाइन। ये सब सिचुएशन तुम्हारी वजह से क्रिएट हुई है ना, तुम पाकी को यहां लेके आते और ना ऐसी प्रॉब्लम होती। भाई मैं तो खुद हैरान हूं, मैं तो बस घर की डील क्लोज करके जाने वाला था, मुझे नहीं पता था। क्या चल रहा है यहां, कौन है ये लोग? इंस्पेक्टर ये मेरे भाई हैं, समर राणा। गुड बोले सर। जब तक मैं ना कहूं किसी को ऊपर मत जाने देना सर। चलो चलो यहां से चलो। इंस्पेक्टर साहब हमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं, यू मे प्लीज गो। राणा साहब हम आपके इनविटेशन पे यहां नहीं आए, मेरी ड्यूटी है, समझ गए आप? चलिए। विक्रम ये चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या किया है तुम लोगों ने पाकी को? भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पाकी हमारी कुछ लगती ही नहीं। आपको क्या लगता है हम पाकी का ख्याल नहीं रखते? बस देख लिया मैंने कैसे ख्याल रखा है तुम लोगों ने। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमें पता था हमारे साथ ये होने वाला है और हम जानबूझ के पाकी को यहाँ लेके आए। मिस्टर विक्रम आपने इस घर की हिस्ट्री नहीं बताई हमें, ऐसा क्यों? क्या मतलब? मैंने तो सिर्फ हिस्ट्री पूछा है। इंस्पेक्टर ये राणा मेरे भाई हैं, 7 साल पहले फैमिली के साथ ये इस घर में रहते थे, उनके बेटे का एक्सीडेंट में डेथ हो गया और वो भाभी के साथ मुंबई शिफ्ट कर गए, दैट्स इट। हम दोनों की शादी उस एक्सीडेंट से कुछ टाइम पहले ही हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो इस हाल में बिल्कुल नहीं थे कि पाकी का ख्याल रख सके। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि पाकी का ख्याल हम रखेंगे जब तक भाभी ठीक नहीं हो जाते, और बस देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। तो इसका मतलब ध्रुव और पाकी दोनों भाई बहन हैं। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए थे कि ध्रुव को टाइम ही नहीं दे पाए और ध्रुव हमें छोड़कर चला गया। ध्रुव हमें छोड़कर चला गया, अब पाकी भी। रीना कुछ नहीं होगा पाकी को, हम मुंबई में बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, पाकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पाकी मिस्टर राणा, ध्रुव के एक्सीडेंट के बाद आप लोग ये जगह छोड़कर तो चले गए लेकिन ध्रुव की आत्मा यहीं भटकती रही, आप लोगों को ढूंढती रही। पाखी ध्रुव की आत्मा को देख सकती है, उससे बात कर सकती है। लेकिन डॉक्टर आप जानते हैं ध्रुव पाखी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था,
तो उसने अभी तक उसको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? मिस्टर राणा, ध्रुव के कैमरे में जो लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है, वो रिकॉर्डिंग एक गार्डन में की गई थी किसी फैमिली के साथ। रिकॉर्डिंग की टाइमिंग और एक्सीडेंट की टाइमिंग में 4 मिनट 30 सेकंड का फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त ध्रुव घर वापस लौट रहा था। ध्रुव को वीडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत पसंद था। उसको एक फैमिली चाहिए थी, हम ही टाइम नहीं दे पाए और ध्रुव हमसे अलग हो गया। अब बाकी भी। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.